आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। आज की शाम में हम सब आनंदित हैं, आज की शाम में हम खुश हैं क्योंकि हम सब परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। आइए जो तैयार नहीं वह अपने आप को तैयार करें क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के साथ संगति करने जा रहे हैं। आइए आज की शाम में हम एक छोटे से भजन के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे। कितना भला है तू मेरे खुदावन यीशु, कितना भला है तू मेरे खुदावन यीशु, कितना भला, कितना भला, कितना भला है तू, कितना भला, कितना भला, कितना भला है तू मेरे खुदावन यीशु। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नीति वचन उसका 14 अध्याय 27 पद में, यहोवा का भय मानना। मेरे प्रियो, एक है जिसका हमें भय मानना है, जिसका हमें डर मानना है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और उसका डर मानने का मतलब है उससे प्रेम करना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, जो कुछ उसकी दृष्टि में बुरा है वो न करना, उसका आदर करना, उससे प्रेम करना, ये परमेश्वर का भय है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय मानना जीवन का सोता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जब हम परमेश्वर का डर मानते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उससे प्रेम करते हैं, ऐसा करने से हम जीवन पाते हैं, बहुतायत का जीवन पाते हैं, आशीषित जीवन पाते हैं और आनंद और खुशी का जीवन पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही जीवन का सोता है। आगे लिखा है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, उसके ऊपर मृत्यु के फाटक भी प्रबल नहीं होते हैं, उसे मृत्यु भी परमेश्वर के हाथों से नहीं छीन सकती, वो मृत्यु को भी हरा देता है। वचन कहता है कि तेरे ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का डर भय मानता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मृत्यु के फाटक भी उस पर प्रबल न होंगे, अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल न होंगे। क्यों? क्योंकि उसका रक्षक स्वयं परमेश्वर होता है, क्योंकि उसको बचाने वाला स्वयं परमेश्वर होता है। यदि आप परमेश्वर का डर भय मानेंगे, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, यदि आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो आपका जीवन आशीषित हो जाएगा, आपका जीवन आनंद और खुशी से भर जाएगा और आप मृत्यु से बच जाएंगे। हर एक खतरे, मुसीबत, एक्सीडेंट, चिंता, परेशानी, बीमारियों से आप बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल और आपका किला और आपका दृढ़गढ़ होगा, आपको बचाने वाला आपका रक्षक होगा। मेरे प्रियो, इसलिए आप न डरें इस कोरोना वायरस से, आप न डरें किसी मनुष्य से, न डरें किसी दुष्ट से। डरना है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरें, जिसके हाथों में आपका जीवन है। जब आप उससे डरेंगे, जब आप उससे भय खाएंगे, जब आप उससे प्रेम रखेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित कर देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु जी, हम सच में तेरे पवित्र नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता, हम तेरे ऊंचे और सिद्ध नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, अति महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में मेरे यीशु तो धन्य है, तो धन्य है प्रभु।
प्रभु, तो पिता की दाहिनी ओर बैठा है, अपने सिंहासन पर विराजमान अपनी महिमा में है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि स्वर्ग तेरा सिंहासन है मेरे यीशु राजा, और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है मेरे खुदावन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरे सर्वोत्तम नाम की महिमा हो, तेरे सर्वसिद्ध नाम की महिमा हो। ओ मेरे प्रभु, तू महान है, तू महान है, तू भला है प्रभु परमेश्वर। यू आर सच अ ग्रेट फादर लॉर्ड जीसस, यू आर अ होली 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 लॉर्ड फादर। धन्यवाद धन्यवाद, वी ग्लोरी मे वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड फादर इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर, वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी लिफ्ट अप योर होली नेम लॉर्ड जीसस, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड जीसस। यू आर सच अ वंडरफुल एंड लविंग फादर, यू आर अवर प्रोटेक्टर, यू आर अवर शील्ड लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि सच में तू भला है, तू अच्छा है, और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू जीवन का श्रोता है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। तू प्रभु जी महान है, भला है, तू दयावंत है, तू प्रेमी है परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु राजा, तू भय योग्य परमेश्वर है मेरे खुदावन। ओ मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है खुदा। और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को आज की शाम में हम सबके संग में मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप एक ही समय में सब जगह उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे साथ इस भाई इस बहन के साथ उपस्थित हैं परमेश्वर। धन्यवाद जो तुझसे लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो तुझसे विनती कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ मेरे प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा से इन्हें भर दीजिए। होली स्पिरिट, वी इनवाइट यू होली स्पिरिट, आप आ जाइए पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद कीजिए पवित्र आत्मा। ओ परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन आज की शाम में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है मेरे परमेश्वर पिता, यदि प्रार्थना में प्रभु जी, प्रार्थना करने में प्रभु जी उन्हें उबासी आती है, नींद आती है प्रभु, कोई भी डिस्टर्बेंस नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इन गलत बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं इनके जीवनों से प्रभु जी। कोई भी डिस्टर्बेंस प्रार्थना में प्रभु इनके जीवन में ना होने पाए प्रभु, ये पूर्ण रीति से परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करे ताकि प्रभु तेरा कनेक्शन इनके साथ में जुड़ने पाए। हालेलुया। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन्हें दीजिए। होली स्पिरिट, आप हमारी मदद कीजिए प्रार्थना करने में, आप हमारी अगुवाई कीजिए होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, विशेष का हम धन्यवाद करते प्रभु कि दिन भर में संभाल कर परमेश्वर आपने इन भाई बहनों को ये समय दिया प्रभु कि ये आपकी उपस्थिति में आ सके, आपसे प्रार्थना कर सके, आपसे विनती कर सके। धन्यवाद यीशु मसीह, विशेष का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर, जिसके द्वारा तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, हमें मजबूत किया प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना जीवन का श्रोता है। हाँ मेरे परमेश्वर, सच में तू भय योग्य परमेश्वर है प्रभु जी, तू प्रेमी परमेश्वर है, तू आदर के योग्य परमेश्वर है पिता। ओ मेरे प्रभु जी, सच में तू प्रभु हमारी शील्ड है, हमारी हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है परमेश्वर। ओ मेरे खुदावन, धन्यवाद करते परमेश्वर, हम धन्यवाद करते मेरे खुदावन, आप जीवन के सोता है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आज की शाम में इन भाई बहनों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो तुझसे प्रार्थना करे, जो तेरी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी यदि अपने जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु किसी भी बात को लेकर डरते हैं प्रभु जी, यदि अपनी विपत्तियों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, आजकल जो वायरस चल रहा है उससे, बीमारियों से प्रभु ये डरने ना पाए पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु तेरे डर भय होने पाए परमेश्वर, क्योंकि तेरा डर भय प्रभु जी जीवन का सोता है परमेश्वर। तेरा आदर करना, तुझसे प्रेम करना, तेरी आज्ञाओं को मानना प्रभु जी जीवन का श्रोत है पिता परमेश्वर। अपने जीवन में प्रभु नेगेटिव बातों को ना सोचने पाए, परंतु पिता परमेश्वर वो तेरे डर और भय में चलने पाए, ताकि परमेश्वर पिता वो अपने अपने विरोधियों से ना डरे, अपने सताने वालों से ना डरे, किसी भी विपत्ति से ना डरे, किसी भी बीमारी से ना डरे पिता परमेश्वर। चाहे कोरोना वायरस है पिता, आजकल की जब संसार में लोग डरे हुए हैं कोरोना वायरस को लेकर परमेश्वर, पूरे देश में डर फैला हुआ है पिता, हर एक के मन में इस बीमारी को, इस महामारी को लेकर डर है यीशु मसीह, कि हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि इनके जीवन में प्रभु इसका डर ना होने पाए, क्योंकि तूने कहा है कि वही तो तुम्हें बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। तू हमारा रक्षक है, हमारा सहायक है, हमें बचाने वाला, हमारा प्रोटेक्टर है लॉर्ड फादर। इस कोरोना वायरस से आप हम सबको बचाए रखेंगे, आपने हम सबको बचाया है पिता, हम धन्यवाद
करते हैं पिता, आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। इस भाई इस बहन को आपने सुरक्षित रखा है, हम धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, आप इन्हें जबकि ये वायरस है, ये डर है सबके जीवन में प्रभु, ये डर इनके जीवनों से जाने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने इन्हें बचा लिया है प्रभु, इस मृत्यु के फंदे से आपने इन्हें बचा लिया है परमेश्वर पिता। होने दे इनके जीवनों में पवित्र आत्मा, आप इनकी सहायता करें कि ये परमेश्वर के डर और भय में चलने पाए, उससे प्रेम करने पाए, उसकी आज्ञाओं को मानने पाए और उसे अपने जीवन से आदर देने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, ये अपने जीवन में अपनी बीमारियों से, अपनी विपत्तियों से, अपनी नामधराई से, अपने विरोधियों से ना डरे, अपनी अपनी परिस्थितियों से ना डरे, परंतु पिता ये तेरे डर और भय में चले प्रभु, क्योंकि तू सब कुछ पूरा करने वाला और तू जीवन का सोता है परमेश्वर, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। आप परमेश्वर इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें प्रभु, होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, पवित्र आत्मा इन्हें तैयार करें कि प्रभु ये तेरी आज्ञाओं को मानने वाले हो सके, तेरे डर और भय में चलने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर पिता यही करना प्रभु इनके लिए प्रभु जीवन का स्रोत हो जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हम आज की शाम में उन सबकी चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी सारी विपत्ति डर सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं कि आज की रात में आप मीठी और अच्छी नींद इन्हें प्रदान करें प्रभु जी, कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी परेशानी इनके जीवन में ना होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह कि प्रभु जब ये तेरे डर और भय में चलने वाले लोग हैं, तुझे तेरा आदर करने वाले लोग हैं परमेश्वर पिता, आप इनके जीवनों में अपनी भलाइयों को दे, अपने आनंद को दे, अपने सुख को आप इनके जीवन में दे, इनके जीवन में जिस किसी बात के लिए प्रभु ये चिंतित है, परेशान है प्रभु, इन बातों को दूर करके आप इनके जीवन में अपने आनंद को, अपनी भलाइयों को, अपने अपनी सुख को इनके जीवन में दें प्रभु जी। ओ प्रभु अपनी शांति को आप इनके जीवन में दें प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, हम सब बातों में प्रभु तुझे आदर देते, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम दिन रात व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान करो तो जितने भी काम तुम करते उन्हें मैं क्या करूंगा, सफल करूंगा और तुम प्रभावशाली होगे। हाँ मेरे परमेश्वर, आप इनके सारे कामों को सफल करें, आप इन्हें आशीष दे, इनके घर परिवार, इनके बच्चों पर आप आशीष करें, क्योंकि परमेश्वर ये तेरे डर और भय में चलने वाले लोग हैं, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले लोग हैं और प्रभु जी तेरे वचन पर मनन करने वाले लोग हैं, तेरे वचन को अपना जीवन का आधार मानने वाले लोग हैं प्रभु। आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें। धन्यवाद प्रभु, जितने भी भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे परमेश्वर पिता, उन सबको आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, उनके प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में देते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, उनके जीवन का हर एक डर दूर करें और ये भाई बहन प्रभु आपकी आज्ञाओं पर चलने वाले, आपके डर और भय में चलने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।